आज बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल से कढ़ी, जिसके लिए मैंने घर का जमा हुआ आधा किलो दही लिया है और 200 ग्राम के आसपास है मूंग धुली हुई दाल, जिसे एक घंटे पहले मैंने कुनकुने पानी में भिगो दिया था। अगर आपको 200 ग्राम के आसपास मेजरमेंट करना नहीं आ रहा है तो आप इस तरह के बाउल से भी उसको मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले मूंग की दाल को मिक्सी में डाल करके बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अगर आपको उसमें लगता है थोड़ा बहुत पानी डालने की आवश्यकता है तो डाल लीजिए, अन्यथा धीरे धीरे करके उसको पीस लीजिए। साथ ही दही को भी अलग से मिक्सी में चला करके मट्ठा बना लेंगे। कढ़ी में मसाले डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1.5 चम्मच के आसपास लाल मिर्च है। इन तीनों को थोड़े से पानी में डाल करके भिगो कर रख देते हैं। देखिए जो सूखा मसाला था इस तरह से पानी में भिगो कर रख दिया है। उससे क्या होता है कि जो आपका धनिया पाउडर है उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो नहीं चुभते हैं। और साथ ही डालेंगे इसमें हम 2 प्याज हैं बड़े और 8-10 कली लहसुन की है और थोड़ा सा अदरक है। इन्हें छील करके मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। दाल देखिए इतनी बारीक पीसी है, थोड़ा सा ही पानी डाला था उसी से 2-3 चम्मच देखिए, क्योंकि इसमें पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसकी पकौड़ी भी बनानी है। अब हम इसको इक्वल सा करके इसके आधे पार्ट इस तरह से अंदाज से कर लेते हैं। जिन को अंदाज नहीं आता वो किसी चीज़ से मेज़र भी कर सकते हैं। दही को मिक्सी में चला लिया है और जो हमने आधा पार्ट इसमें करा था वो इसमें डाल करके एक बार फिर मिक्सी को चला लेंगे। बचे हुए दाल में थोड़ा सा नमक और मिर्च डालते हैं क्योंकि खूब अच्छे से फैट लेंगे पकौड़ों के लिए। देखिए इसमें थोड़ी सी ही लाल मिर्च डाली है मैंने और स्वाद अनुसार नमक डाला, हल्का ही डालेंगे ताकि वो कढ़ी के साथ जा करके ज़्यादा ना लगे। अब इसी डोंगे चमचे से इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि पकौड़े जो हैं सॉफ्ट बने। पकौड़े बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है और उसे अच्छे से पका लिया है। अब मैं चम्मच से ही इसमें पकौड़े डालूंगी। इससे क्या होगा कि सभी पकौड़े इक्वल साइज़ के होंगे और हाथ भी नहीं जलेगा। गैस को तेज़ ही रखेंगे और जब पकौड़े ऊपर आ जाएंगे तब पलटेंगे। देखिए सभी पकौड़े ऊपर आ गए हैं, अब हम इन्हें आराम से पलट लेते हैं ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाएं। सभी पकौड़े बन गए हैं, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, हाथ से दबाने से बिल्कुल अंदर जा रहे हैं। 1 चम्मच के आसपास कढ़ी छौंकने के लिए तेल लिया है। कढ़ी छौंकने के लिए 1/2 चम्मच मेथी दाना है, 1/2 चम्मच जीरा है और 1/4 चम्मच के आसपास हींग है, 4 लाल मिर्च हैं। सबसे पहले मेथी दाना डालेंगे जो पका हुआ तेल है हमारा, और जब थोड़ा सा भुन जाए तब हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। देखिए ये हल्के से चटकने शुरू हो गई है तो अब हम इसमें लाल मिर्च डाल रहे हैं, साथ ही जीरा और हींग भी डाल देते हैं। जीरा मेथी भुन चुके हैं तो अब हम पिसा हुआ जो प्याज का पेस्ट था वो डाल देते हैं। देखिए मसाला पूरी अच्छी तरह से भुन चुका है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब भीगा हुआ मसाला डाल करके इसको 2 से 4 मिनट फिर भूनते हैं। देखिए अब इस मसाले में भी तेल छोड़ दिया है, जो हमारा मट्ठा था जिसमें हमने दाल मिलाई थी अब हम इसमें डाल देते हैं। और जितना हमारा दही था उतना मिलाएंगे हम इसमें पानी। और जब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, और उबाल आने पर इसमें डालेंगे नमक। देखिए कढ़ी में उबाल आ गया है। कढ़ी में मुझे थोड़ा सा पानी और एक्स्ट्रा डालना पड़ा है क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा पतली कढ़ी को पसंद की जाती है, तो आप अपनी पसंद के अनुसार भी इसमें थोड़ा पानी घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। 20 मिनट पकने के बाद कढ़ी में मैंने पकौड़े डाल दिए हैं और अब इन्हें
10 मिनट और पकाते हैं। पकौड़े डालने के बाद मैंने इसे 10 मिनट और पका लिया है। कढ़ी अच्छे से पक गई है, देखिए। ऐसे बोलते हैं बुज़ुर्ग लोग कि मध्यम गैस पर ही कढ़ी को पकाना चाहिए, साग हो या कढ़ी हो, दोनों ही जब थोड़ी सी गैस कम हो तभी पकाएं तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। कढ़ी में ऊपर से घी व मिर्च का छौंक लगाएंगे। यह कढ़ी बहुत ही गुणदायक और लाभकारी है। आप इसे सुबह खाएं, रात को खाएं, बड़े खाएं, बुज़ुर्ग खाएं, बच्चे खाएं, किसी को भी नुकसान नहीं देती।